स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट आज हम हिंदी सेकंड ग्रामर से फिफ्थ क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम अपना देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर। हिंदी के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के चार चार कवि और लेखकों के नाम लिखिए। तो आज हमको क्या करना है, हिंदी गद्य साहित्य के कौन कौन से लेखक हैं, पद्य साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, उसका हम राइट करेंगे। चलिए आप क्वेश्चन राइट करने के बाद आंसर राइट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग ब्लैक पेन से राइट करेंगे, हिंदी के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के चार चार कवि और लेखकों के नाम। यहाँ सामने क्या कर देंगे, निर्देशक चिन्ह कर देंगे। इतना हेडिंग डालने के बाद आप सामने निर्देशक चिन्ह कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इतना लिखने के बाद आप राइट करेंगे गद्य साहित्य के लेखक, गद्य साहित्य के लेखक। नंबर वन मुंशी प्रेमचंद्र। सेकंड नंबर पे राइट करेंगे जयशंकर प्रसाद। थर्ड नंबर पे आप राइट करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फोर्थ नंबर पर महावीर प्रसाद द्विवेदी। और एक और राइट कर लेंगे श्रीमती महादेवी वर्मा आदि। इतना आप पूरा गद्य साहित्य के लेखक में 4-5-4 पूछा है, आप 5 लेखकों के नाम राइट करेंगे। सबसे नंबर वन पे कौन है, नंबर वन पे कौन है, सबसे पहले आप गद्य लेखक में राइट करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र। क्या लिखेंगे, मुंशी प्रेमचंद्र। सेकंड नंबर जयशंकर प्रसाद। थर्ड नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे, श्रीमती महादेवी वर्मा आदि। यहाँ पूर्ण विराम कर दोगे, फिर नेक्स्ट हेडिंग आप राइट करेंगे पद्य साहित्य, पद्य साहित्य के कवि। गद्य साहित्य में लेखक होते हैं और पद्य साहित्य में क्या होते हैं, कवि होते हैं। तो आप पद्य साहित्य के कवि हेडिंग डालोगे, उसके आगे आप नंबर वन पे राइट करेंगे सूरदास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा ये, जितने ग्रामर के एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पद्य साहित्य के कवि के में कौन कौन आएंगे, सूरदास कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, रस खान बिहारी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बस इतना ही आप राइट करेंगे और लर्न करेंगे। नंबर वन पे क्या होगा, सूरदास, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, रस खान बिहारी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि। तो चलिए हम अपना आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, व्याकरण किसे कहते हैं, इसके कितने अंग हैं। तो ये सब बेटा तुरंत आप नोट्स अपने हिंदी सेकंड कॉपी में राइट कीजिए और तुरंत इसको लर्न कीजिए, लिखकर बंद मत कीजिए उसको। जब तक तुरंत लर्न करके फिर डेली का डेली आपका क्वेश्चन जा रहा है उसे कंप्लीट कीजिए, लर्न कीजिए। व्याकरण किसे क्या कहते हैं, तो आपको पता है व्याकरण द्वारा ही भाषा को शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने और बोलने की विधि सिखाई जाती है। शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना और बोलना किस विधि से सिखाया जाता है, व्याकरण के। तो आप आंसर राइट करेंगे व्याकरण द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने और बोलने की विधि सिखाई जाती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण क्या करता है, भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। इसमें भाषा को व्यवस्थित और नियमित बनाने के लिए नियम होते हैं।
व्यवस्थित और नियमित बनाने के नियम होते हैं जो भाषा के मानक रूप का ज्ञान कराते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराते हैं। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया कि व्याकरण के कितने अंग माने गए हैं, तो व्याकरण के मुख्य रूप से तीन अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बस आप इतना ही राइट करेंगे। फिर चलते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, वर्ण विचार और उच्चारण। वर्ण विचार और उच्चारण, वर्ड क्या है, वर्ड क्या है, वर्ड भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ड भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती थी वो लिखित रूप में क्या हो गया, लिखित रूप में वह वर्ण हो गया। वर्ड को ही हम अक्षर कहते हैं और ये जो वर्ड हैं उनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ऊपर दिया गया है, देखिए, यह अक्षर या वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड क्या है, भाषा की सबसे छोटी। आपसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है कि स्वर है कि व्यंजन है कि लिपि है, ऐसे क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बोलने और सुनने में जिसे ध्वनि कहते हैं, जब हम वर्ड को बोलते हैं हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है तो क्या है, जब हम उसको लिखित रूप देते हैं तो वह वर्ड होता है। करें लिखने और पढ़ने में ही वही वर्ण है। बोलने में जो ध्वनि था लिखने में वो क्या हो गया, वही वर्ण है। तो आप डिफिनीशन क्या लिखेंगे, वर्ड क्या है, वर्ड भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ड भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो देखिए आप, एक घ है तो घ के टुकड़े किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। आ, ये सब क्या दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं। वर्डों के मेल से क्या बना, शब्द बना। घर, च, एक एक वर्ड मिलकर बना चलो, ठीक है ना। तो आप वर्ड अच्छे से समझ के रखेंगे और ये आपके क्वेश्चन आंसर भी आपके बुक में है। वर्ड क्या है, वर्ड भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। फिर क्या, वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है, वर्णमाला। जब वर्ड को हम व्यवस्थित रूप से क्रम से लिखते हैं तो क्या होता है, वर्णमाला होता है। वर्णों के व्यवस्थित रूप, वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। ये सब डिफिनीशन पूरे ग्रामर के पूरे आपके मुँह पर होने चाहिए। फिर वर्णमाला के अंतर्गत, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्टूडेंट आज इतना ही, थैंक यू।